करे इन्होंने कितने कितने पैसे चल से कजलों की कितनी तादाद है काफी कजले खड़े हैं असली यो कसाई नहीं शौकी ना तो भी यार ही सिर पाया तो भी यार ही सिर पाया मैं तो साना कसाई ना कामे देखें ये आज मेरा और इनका जो है ना हिसाब बराबर जा रहा है काफी सारे देखने वाले हमारे कहते हैं आप वजन गलत बता रहे हैं ये गलत बता रहा हूं मैं आप ठीक बता रहे हैं मतलब ठीक बिल्कुल ठीक बता रहे एक पाव भी फर्क नहीं है 11 सेर हुए 12 सेर ही है चराई के लिए बेहतरीन अगर किसी लेके पालने हो ना बकरे दोनों का 65 है दोनों अच्छा अच्छा मैं तभी कह रहा हूँ एक का ये दोनों का 65 है जी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे बरोज मंगल और रवात की बकरा मंडी रावलपिंडी वाले जो है ना दोस्तों की काफ़ी डिमांड रहती है कि रवात की मंडी कवर किया करें यहाँ पर मैं कभी कभी जो है ना चक्कर लगा लेता होता हूँ क्योंकि इधर माल होता है नॉर्मल तो फिर थोड़ा टाइम छोड़ के फिर मैं जो है ना शो करवा के जाता हूँ रवात और रनियाल मंडी का वीडियो का आगाज़ करते हैं दुरूद पाक से बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बेसिकली ये मंडी ज़्यादा काटू माल की वजह से जो है ना सही है, बाकी शौकिया माल इधर बहुत कम आता है। छोटी सी मंडी है, जैसे और रनियाल वाली लगती है, तरनौल मंडी लगती है छोटी सी, ठीक है, और हरीपुर, ये छोटी छोटी मंडियाँ हैं। ये इतनी बड़ी परचेजिंग के लिए आप नहीं आ सकते, अगर आपको ये कुर्बानी वाले हकीके सदके के लिए बकरे चाहिए तो फिर आप चक्कर लगा सकते हैं। बकरियाँ भी आ जाती हैं कभी कभार, बाकी जो भी रूटीन है आपको दिखाते हैं। मौसम भी बड़ा प्यारा हो रहा है बारिश का, देखें फुल बादल शादल बने हुए हैं, ये कुछ मंडी का माहौल है। और देखें सारा काटू माल खड़ा है, और इधर वो कितने बजे आएगा ये देखें, कितनी मोटी मोटी बकरी। ये मेरे ख्याल से जुल्फिकार के पास होंगे, ऐसा माल वही लाता है। ये देखें कैसा शानदार माल है माशाल्लाह, ये देखें सही तगड़ा माल है सारा। बाकी ये हमारा टेक्सला मंडी वाला भाई आ गया है, पता करते हैं क्या मामला है, क्या किधर है खुद। ये इसके पास भी इस तरह का माल होता है, उसने टेक्सला मंडी में मैंने रेट लिए थे तकरीबन 12-13 हज़ार से ले के 35-40 हज़ार रुपये तक जो ना इनके पास माल होता है। ये देखें ये जैसे छोटा बकरा है, इसके कितने पैसे हैं 16,000 रुपये। ये देखें ब्लैक कलर में, वजन होगा इसका 7-8 किलो। जी जी वजन होगा 7-8 किलो। वो जो सामने खड़ा है काला, उसके क्या मांग रहे हो? हाँ 3200। और वो लाल, वो 35,000। कितना? 35,000। 35,000 जी। ये देखें ये इस तरह का माल होता है, और वो पहाड़ी देखें क्या हाल है, ठीक हो और सेहत भी अच्छी है। वो पहाड़ी के कितने पैसे हैं? वो आपको 18,000। 18,000। वजन कितना निकालेगा? कम से कम 10 किलो। 9-10 किलो गोश्त निकालेगा, ये 18,000 रुपये का मिलेगा। और ये वाला काला डब्बा, ये कुर्बानी के लिए अगर किसी ने रखना हो कलर वाइज अच्छा है, 20,000 रुपये का। ये 20 का मिलेगा, हालांकि वो उस वाले से थोड़ा छोटा है, लेकिन ये कलर वाला और देसी है ना, देसी का रेट ज़रा ज़्यादा होता है, और बालों वाले जो है ना वो थोड़े कम रेट। वो जो लाल वाला है उसके 35,000। इसमें दोंदे खीरे मिक्स है, ज़्यादा खीरे ही ठीक हो गया। अपने पास दुम्बे वगैरह भी होते हैं ना, नंबर बता दो अपना। 313-51-54-902। दोबारा बोल देना। 313-51-54-902। डेरा इधर पिंडी में है ना? जी 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 ठीक हो गया। ये जो काला खड़ा है इसके कितने बताए थे? काला भी आपको मिलेगा 32,000। 32। और ये काला डब्बा आपको मिलेगा 30,000। 30,000। इनका वजन कितना कितना होगा लाल का इस काले का? सर ये तकरीबन 14-15 किलो लाल वाला, 17 किलो। 17 किलो ये वाला और 14-15 किलो ये वाले हैं। ये देखें ये बकरा कुर्बानी के लिए बेहतरीन है, 35,000 रुपया कुछ रेट नहीं है इसके सामने। देखें इसमें भी गुंजाइश हो जाएगी, अभी कुर्बानी के दिनों में आपको पता है कैसे रेट थे इनके। अभी 17 किलो है, 35,000 रुपया मतलब गोश्त मीट वेट के हिसाब से आपको मिलेगा, और भी मज़ीद भी गुंजाइश हो जाएगी। ये देखें ये काला कितना प्यारा बकरा है, फुल जेड ब्लैक में। अभी बारिश की वजह से बेचारे एक जगह इकट्ठे हुए हैं। इस मोने के कितने पैसे हैं? 30 का मिलेगा, बेहतरीन बकरा मैं दिखाता हूँ। ये देखें ये भी कितना खूबसूरत बकरा है, ये फाइनल रेट है, फाइनल रेट है। शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाए। माशाल्लाह आपके हम भी यूट्यूब चैनल पे देखते रहते हैं। अच्छा अच्छा, इधर रवात के पिंडी के हैं? मैं ये जिना गार्डन से बात। अच्छा अच्छा अच्छा, और सेहत भी अच्छी है? मैंने आपको देखा। अच्छा अल्लाह का शुक्र। मंडी कैसी है, ठंडी है? ये बकरा है जी, ये देखें मोना, कुर्बानी के लिए अगर रखना हो ना बेहतरीन चीज़ है। और इनके पास सबसे छोटा वो कटिंग वाला बकरा, उसका रेट है वो सबसे जो छोटा है जिसके बाल काटे हुए, उसके कितने पैसे हैं? आपको 10 का मिल जाएगा। 10 का मिल जाएगा। वजन कितना है? 5-6 किलो जी। ये देखें ये 10,000 रुपये का मिलेगा, अगर किसी ने घर के लिए खाने के लिए लेना हो ना। ये देखें कितनी प्यारी सी चीज़ है, बाल छल कटे हैं ना, अगर बाल होते तो फिर और भी बड़ा नज़र आता। राजनपुरी खूबसूरत बहुत है, कंज ना हो ज़्यादा खूबसूरत, राजनपुरियों में कंज ही आते हैं। देखें कितने पैसे हैं जी?
42,000 रुपये है जी इसका, राजनपुरी है। बाकी इसके अलावा ये भी हैं अबलग वगैरह, लेकिन ये चीज़ थोड़ी अलग थी, मैंने कहा चलें आपको शो करवा दूँ, और मैं भी हो भी शायद ये कांज है। देखा है ये कांज है, कितना तो तजर्बा हो गया है। राजनपुरी में जितना हसीन जानवर आता है वो कांज ही निकलता है, ये कांज है, ना मेल है ना फीमेल। ये देखिए अंदर भी बड़े खूबसूरत जानवर है, ये चेक करें। इन्होंने कितने कितने पैसे, 32,000 रुपया, और ये भी हो सकता है कि कांज ही हों, बिल्कुल कांज है। ये देखें ये राजनपुरी में आपने बड़ी एहतियात करनी है, राजनपुरी और बर्बरे लेते हुए इनमें कांज बहुत ज़्यादा आते हैं, जितना खूबसूरत जानवर होगा वो कांज ही निकलेगा। ज़रा लोकल भी देखते हैं क्या मामला आता है। ये चाचे के पास बकरी खड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे बकरी ने? 22 मांग रहे हैं, 22,000। वजन कितना वो सी 12-14 किलो है, 11-12 किलो जी। ये सिर्फ मांग रहे हैं जो ना रेट, इसमें गुंजाइश भी हो जाती है, हो जाती है, हो जाती है। इसके कितने पैसे? 20,000 भी हो सकते हैं। 27 मांग रहे हैं, 27,000। दो खीरा खीरा है जी, तकरीबन वजन इसका भी 10-11 किलो होगा। वो भी कसाई है मेरा, नहीं नहीं कसाई नहीं हूँ मैं। असी कसाई नहीं है, शौकीन हाँ। कसाई ना कामें देखें जी, आज मेरा और इनका जो है ना हिसाब बराबर जा रहा है। काफी सारे देखने वाले हमारे कहते हैं आप वजन गलत बता रहे हैं, ये गलत बता रहा हूँ मैं? आप ठीक बता रहे हैं, ठीक बिल्कुल ठीक बता रहे हैं, एक पाव भी फर्क नहीं है, 11 शेर हुए 12 शेर ही है। बाकी वो हो सकता है थोड़ा ऊपर नीचे, लेकिन नहीं है कि जो वजन आप बता रहे हैं ना वही वजन इतने का है जी। देख जुल्फिकार, मैं देख रहा हूँ माल खड़ा, मैंने कहा जुल्फिकार गायब है, मैं उधर से होके चला गया, मैंने कहा जुल्फिकार का माल नजर आ रहा है और माल कोई नहीं लाता ऐसा, सारा माल अपना है, सारा माल अपना, माशाल्लाह बहुत माल निकाल के ले गए, शुक्र है अल्लाह पाक का, खैर ये बस आगे लंगर शंगरों का काम स्टार्ट हो गया इंशाल्लाह, जो है ना माल लाए हुए अच्छा माल। चलो आओ ना थोड़ा माल दिखाओ, फिर जो है ना नंबर शंबर लेते हैं, सबसे हल्का जानवर दिखाओ, सबसे जो कम वाला है, सबसे हल्का, सबसे जो हल्का हाँ ये है जी, सबसे हल्की बकरी है ये देखें, ये माशाल्लाह से 22 किलो गोश्त, और रेट क्या मांग रहे हो? 36,000 देने वाले जी, 36,000 रुपये 22 किलो गोश्त है। ये अगर बकरा लें आपको कम से कम 50,000 का मिलेगा। ये सारा माल अच्छा, ये पट धुंधी पट, धुंधी पट माशाल्लाह, धुंधी मच्छी होती है। क्या वजन है? 25 किलो। और रेट फाइनल वाला? फाइनल वाला ये मिल जाएगा 43 का, 43 का मिल जाएगी ये बकरी। ये देखें ये कलर में कितनी प्यारी है, शेरे कलर में, ये 35 की मिलेगी। वजन है तकरीबन 22 22 किलो जी। ये इंशाल्लाह वजन निकालेंगे, ये कच्चे वजन वाली बकरियां नहीं है, सारे माशाल्लाह से मोटी। ये दोनों जोड़ा है, ये सिंगल है? नहीं सिंगल। इसके क्या पैसे हैं? ये फाइनल मिल जाएगा तकरीबन 65,000 का। इसका रेट थोड़ा ज्यादा नहीं है? वजन कितना है? नहीं वो नजर आ रहा है बकरी, कोई भी कच्ची नहीं। 40 किलो जी निकाल लेगी, 40 किलो दोनों। अच्छा दोनों का 65 है? दोनों। अच्छा मैं तभी कह रहा हूँ एक का, ये दोनों का 65 है जी। ये देखें बिल्कुल बेहतरीन रेट है, सारा बेहतरीन माल है इसमें। मोबाइल नंबर बता दो अपना, 0313-150-5590। और वो रेट अभी चेंज तो नहीं है ना गोश्त का? वही है। बकरी का कितना बताया था? वही रेट है आजकल, 1800 रुपए रेट जा रहा है, 1700-1800। आप कितना दे रहे हो बकरी का? हम 1700 भी दे रहे हैं, 1800 भी दे रहे हैं, 1750 भी दे रहे हैं। और बकरे का 2000, दुम्बे का 2000। ठीक हो गया। बाकी जितना माल चाहिए जी जुल्फिकार से मिल जाएगा आपको गोश्त के हिसाब से ना, इंशाल्लाह। तो ये देखें ये सारा माल जुल्फिकार का खड़ा है, इसमें मैंने कोशिश की है रेट आपको जो ना आइडिया हो जाए, बाकी एक एक करके दिखाऊँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जुल्फिकार ठीक है मेरे, ठीक ठाक, मौसम आज बहुत ज़बरदस्त है, चाय नहीं पीता हूँ। चाय मुझे मन है। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ठीक है? इसके पास गबन बकरी और गबन दुंबी है। किधर है? कोई किसी को जरूरत होता है तो सुख है। बकरी लोकल खड़ी है, इसका भी रेट लेते हैं। कितने पैसे? ओहो यूट्यूब वाले कैसे हो भाई? ठीक, शुक्र है अल्लाह का। आपकी ये क्या पैसे मांग रहे हैं? इसके तो दे दे जायज। कितने जायज?
80,000 रुपया खाली है, कितने टाइम की? दो महीने की कह रहे हैं, बाकी गारंटी आपने खुद लेनी है। 2 महीने की जो है ना गारंटी होती है, कोई नहीं है। वैसे अभी दूध खुश कर रही है, अभी तो दूध भी ऐसे नहीं चाहिए, खुश कर रही है। एक इसने पहले कितने मरतबा बच्चे दिए हैं? दूसरा है अभी, दूसरी मरतबा देगी। अभी तकरीबन दूध कितना होगा इसके पास? इसके पास 3 पाव दूध है। 3 पाव होगा, लेकिन पार्ट खूबसूरत है। अगर 2 महीने की वीडियो पड़ी है क्रॉसिंग की, क्रॉसिंग की वीडियो पड़ी हुई है? नहीं पड़ी, क्रॉसिंग की वीडियो नहीं है। बाकी गारंटी आप ले सकते हैं, बकरी देख लें। ये फाइनल कहाँ तक बनेगी अगर कोई कॉन्टैक्ट करे आपसे? नहीं फाइनल बता दें, फिर नंबर ले लेते हैं कोई 65 सा मोबाइल नंबर बता दें। 03027412288। लोकेशन क्या है आपकी? लोकेशन कचहरी के पास, यू पार्क अलशफा के पास। ठीक हो गया, ये देख लीजिए किसी को अगर समझ आए। सेकंड टाइमर अभी क्रॉस बता रहे हैं, बाकी आगे आपके मुकद्दर नसीब है। और जी लोकल माल चाचू कितने पैसे हैं? छोटी पाट ने, छोटी पाट ने कितने पैसे हैं? छोटी पाट का 22 मांग रहे हैं ये, 22,000 रुपया। ये देखें, ये तकरीबन 7 से 8 किलो रेट ज़्यादा मांग रहे हैं। हालांकि नस्ल भी नहीं है पाठ के पास, लेकिन मांग रहे हैं ना किसी ने दे तो थोड़ा दिए। अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे इसके? कितना? 32,000। बकरा रखने के लिए अच्छा है, तकरीबन 12 किलो गोश्त है, लेकिन चीज़ अच्छी। उसके कितने हैं? एक ही रेट है, सेम रेट में, लेकिन डब्बा ज़्यादा खूबसूरत है। देखिए ये देखिए सबसे छोटा बकरा, कितने पैसे बचे नहीं? पाठे बकरा जी, पाठे बकरा। नारे माजी, नारे नारे जी, वजन इसका तकरीबन 4-5 किलो। इधर शेरे कलर में खड़ी है एक छोटी सी। अस्सलाम वालेकुम, ये पाठे बकरा नहीं? पाठे जी, कितने पैसे? 14,000 रुपया जी। 14,000 रुपया वजन इसका भी वही है, 7-1 किलो। अभी माल उतर रहा है, लेकिन ये कि साथ साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ जो लोकल खड़े हैं उनके भी रेट लूँ। ये देखें खूबसूरत जोड़ी खड़े। अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे जोड़ी के? जोड़ी के 55,000 रुपया। ये देखें अच्छी जोड़ी है, 55। मोबाइल नंबर है आपका बता दें? 03025699100। किस जगह से आए हैं? बकरा मंडी रावलपिंडी से आए हैं जी। ये देखें अगर जोड़ी किसी को चाहिए तो 55 मांग रहे हैं। इंशाल्लाह इसमें गुंजाइश, कितनी गुंजाइश हो जाएगी अगर कोई रब्ता करे आपसे? थोड़ी बहुत ही, तकरीबन 4-5 हज़ार। ठीक हो गया, वज़न भी बकरों के पास ठीक है माशाल्लाह से, 12 से 14 किलो गोश्त में हैं बकरे। बाकी कलर भी अच्छा वाइट। कितने पैसे जोड़ी ने पठाने? 70 जी, 35-35 मांग रहे हैं। ये देखें दोनों सेम कलर में हैं, लाल। 70,000। इन्होंने पहले बच्चे वगैरह दिए हैं? कोई नहीं जी, इसने एक ने दिए हैं, वो अभी खाली है ना। ठीक हो गया, नंबर आपका ही है नंबर वो जो बताया है? ठीक है, बकरे भी इन्हीं के पास है, बकरियाँ भी। ये भी जोड़ा जो भी आपको समझ आए ना कॉन्टैक्ट कर लें, पट्ठे आके तैयार करने के लिए अच्छा है। इसके नीचे थोड़ा बहुत दूध भी नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कितने पैसे पठाने? ये नीली ने 35 मांग रहे हैं। पठ रही कितनी प्यारी गबड़े, कितना टाइम नहीं? अच्छा महीना डेढ़ हो गया। वज़न भी इसका तकरीबन 12-13 किलो होगा। शेरे कलर में एक और खड़ी है इधर। चाचू कितने पैसे पठाने? इसने कितने पैसे जी? नहीं समझ आई। एक 18,000 रुपया गोश्त भी तकरीबन 8-9 किलो ही है। बाकी इस साइड पे तकरीबन जितने भी मैंने दिखाया सारा लोकल, एक दो जानवर जो घरों में रखे हुए हैं लोगों ने वो लेके आए हैं। इधर एक प्यारे से कलर में बकरा आ रहा है, इसका रेट लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कितने पैसे बकरे ने? 34,000। खीरा जी, खीरा। नंबर शंबर है अपना जी? नहीं, मोबाइल नंबर नहीं है, लेकिन बकरा अच्छा है इनके पास। ये देखें वजन इसका भी तकरीबन 12 से 14 किलो। कितने पैसे इसके? पैसे बकरी है बकरा? बकरा है जी। ये देखिए 35, बकरा है बकरा। वो जो ना बकरी ना बकरा होने ना वो बकरे नज़र आ जाने। वजन इसके पास भी ठीक है, 14-15 किलो गोश्त है गंजा जी।
सारे को। अभी चलते हैं ज़रा शोकिया माल आपको दिखाते हैं। ये फ़िलहाल खड़े हैं इधर काफ़ी सारे। जी जी यूट्यूब पे जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। अपना बकरा कितने पैसे? 36,000। जी मक्खी चीना ये देखें, तकरीबन एज भी इसकी तकरीबन 5 से 6 महीने होगी। मोबाइल नंबर है अपना? जी दसो। 0307-033-0754। किस जगह नहीं? तलागांग। ये रेगुलर काम करने के वैसे ले गए हो? रेगुलर। अगर और भी माल चाहिए मिल जाती ना? ठीक हो उस साइड से भी नहीं? जी ठीक हो गया। तो ये बकरे सारे अपने बदे? ये जोड़ी ने कितने पैसे ने? जोड़ी ने 60,000। 30,000 रुपये ये एक फाइनल रेट नहीं, इसमें गुंजाइश होगी। ये भी बचे तकरीबन 5 से 6 महीने वाले, कुछ महीना ऊपर होंगे नीचे होंगे। ठीक है, वज़न तकरीबन इनका 10-12 किलो है। जोड़ी 80। ये 40,000 जी। ये दो दिन खीरे इसने 60,000। ये देखें चराई के लिए बेहतरीन, अगर किसी ने ले गए पालने हो ना बकरे अच्छे हैं। वो जरा कोने वाला है 60,000 रुपया। वज़न इसने तकरीबन 18 किलो जी, कितना 20 किलो जी, तकरीबन 18-20 किलो जी इसका। बाकी वो आगे वाले भी तकरीबन इसी रेंज में है, ये बीच वाले थोड़े छोटे हैं। बकरियाँ भी दिखाते हैं आपको, इन्हीं के पास हैं। ये तालागंज से आए हैं। दुम्बा बड़ा बेहतरीन खड़ा है, वापस आके ये भी मैं दिखाता हूँ। तुर्की दुम्बा है प्योर अच्छे साइज़ में। ये एक कजली बेड भी खड़ी है। थोड़ा थोड़ा माल आता है यहाँ पे, इतनी बड़ी मंडी है नहीं है। ये मैं पहले बता चुका हूँ स्टार्टिंग में, ये बड़ी मंडी जो है ना रावलपिंडी के साथ, एक टेक्सला है और ये मंदरे वाली। टेक्सला भी इतनी खास बड़ी नहीं है लेकिन ठीक है, इनसे बेहतर है जैसे रवात ये रनियाल और तरनौल वाली से जो है ना अच्छी है। ये शॉर्ट सी परचेजिंग के लिए छोटी छोटी मंडियाँ हैं। चलो एमरजेंसी किसी को चाहिए बकरा वगैरह कुछ सदके के लिए या खाने के लिए तो फिर ठीक है, बाकी अगर बड़ी परचेजिंग करनी है तो ये मंडी जो है ना माल पूरा नहीं कर सकती है। अभी शेड के नीचे राजनपुरी बहुत खड़ी हैं, बारिश रुक रही है तो आहिस्ता आहिस्ता निकाल के लेके जा रहे हैं। इधर कजले भी खड़े हैं, कजले भी वापस आके दिखाते हैं। एक ही पार्ट बनाऊँगा वीडियो का, सारी चीज़ें जो है ना आपको एक ही वीडियो में दिखा दूँगा। ये लिया बकरियाँ, ये जी राजनपुरी खाली पठान सारियाँ। कितनी पठान? 6 दाने है जी। रेट क्या है? 40,000। फाइनल कितने की हो जाएंगी? फाइनल 36 की। ये सारी दोंदी है ना? ये ब्रीडर ले गए, आप बीच में राजनपुरी छोड़ें या मक्खी चीना आगे आपके वो जो ना ब्रीड दे सकती हैं। देखें ये सारी पठे हैं, ये संभालता है। अच्छा ये संभालता है। मोबाइल नंबर बता दिया आपने? नंबर बता दिया। ये वाली क्या है साहब, है गबन है? ये वाली मक्खी चीनी गबन है जी। ये देखें ऑर्डर तैयार कर रही है। क्या पैसे इसके? इसका फाइनल 65,000 फाइनल। और टाइम कितना निकालेगी? 10-15 दिन। 65,000 फाइनल है इसके साथ। ये पट है, ये तकरीबन 3-4 महीने की पट है इसके पीछे। ये वाली मोनी और ये बकरी है। क्या पैसे इसके? इसका भी 65,000 रुपया, वो भी अपनी है जी। इसके क्या पैसे हैं? ये फाइनल 55,000। ये दो देसी बकरी है, दोगली सी। ये देखें ऑर्डर इसका, अभी तैयारी पे हैं दोनों। मोबाइल नंबर, तलागांग वालों का शौक है आपको पता है, शाजोर गाड़ियों का। अच्छा ये काम करते हैं, बड़े शौकीन है। मैं वैसे वीडियोस वगैरह देखता रहता हूँ ना, शाजोर गाड़ी के काफ़ी शौकीन है तलागांग वाली साइड पे ना। तो ये देख लें, किसी को अगर चाहिए राजनपुरी। उस दिन मुझे स्पेशल कॉल की थी अटक से एक भाई ने कि राजनपुरी आप नहीं दिखाते हो, तो ये देख लें सारी पट्टियाँ खड़ी हैं। किसका? इसका फाइनल 45। ये फाइनल 45 की कह रहे हैं पट वाली। बाकी ये रेट आपने खुद बनाने हैं, ये खुद ही रेट मांगते भी रहेंगे, फाइनल भी करते रहेंगे, लेकिन फाइनल तब होगा जब आप रेट देंगे। बारिश दोबारा से स्टार्ट हो गई है, दुम्बे शुम्बे बाहर ना आ रहे हैं। ए राजनपुरा दे या ए कजले हैं? नहीं थोड़ा माल के बकरियाँ ने कजले बकरियाँ। इस चिट्ठी पाठ से क्या मांग रहे हो? चिट्ठी पाठ 55,000। बढ़नी किधर तक है? बढ़नी तक आप दे देता नहीं, अपना जहन एक फाइनल रखे 50,000 दे देता। इससे भी नीचे हो जाएगी। मोबाइल नंबर दसो। 0345-41-56-148। ठीक हो गया। और किड़ियाँ पठा माशाल्लाह राजनपुरी खाली प्योर किड़ी। ये कह रहा है जी राजनपुरी प्योर, ये सिंगों में आ रही है। वैसे राजनपुरी ज़्यादातर बगैर सिंगों की आती है। देखें इससे कितने पैसे? 1,10,000 रुपये। मेहरबानी कर ना बारिश वसंत देखे उन सारे बारिश नहीं सा। सही गल है, बड़े दिन हो गए तरस गया, गर्मी बड़ी सख्त है। अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह और जगह गार्डन गार्डन। ए हूँ तू कैमरा देख, थोड़ा ओवर हो गया ना, जरा इतने मंडी में खाल के रेट मंगना हो 10,000 रुपये।
ये भी रेट गलत बता रहा है जी, 90 की भी नहीं है बकरी, ठीक है। बाकी एक पट के इसने रेट ज़रा ठीक दिए। आदल क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आया माल? हाँ माल आया, दो त्रे बकरे में चैन सुने को सामने जीना है वो पीला है। चलें जी ज़रा बारिश रुक जाए फिर बाहर निकल के दिखाता हूँ, अभी बारिश स्टार्ट है। आसम आया है? देखें माशाल्लाह से कजलों की कितनी तादाद है, काफ़ी गजले खड़े हैं। आप दोस्तों की काफ़ी डिमांड रहती है ना गजलों की। क्या चुकी हाल है? ठीक हो? माल दे बड़ा जमा की जाने लगन, बारिश शुरू हो गई जी। बारह जी बस एक डेरा किधर रखे? चार नंबर चुंगी, डेरा चार नंबर चुंगी। ऐसे बच्चे देखिए पैसे मांग रहे हो सामने करे बच्चे, इसमें अच्छे अच्छे भी होते माशाल्लाह जी। एक नंबर इस देश दे पैसे दसो वड्डा बच्चा, ये कितने महीने दे? इधर बाहर काट दे इस साइड ते लाओ, यार दिखा दे यार। कानों की लेंथ अच्छी है बच्चे की, लेकिन मुझे पर्सनली तौर पे ये वाला पसंद आया है। ये मादी नार, ये देख ले बड़ा बच्चा बाहर आ गया, कान पे एक निशान है, बाकी सारा बिल्ला ही है। ये देख ले कितनी उम्र दसी इसकी? चार महीने। पैसे की मांग रहे हो? 85 मांग रहे हैं, लेकिन ये फाइनल रेट नहीं है। फाइनल कितने का हो जाएगा? नंबर ले लें, कोई रब्ता कर ले, डिस्काउंट हो जाएगा। कान देख लें अच्छी लापर वगैरह है, अच्छा बनेगा इंशाल्लाह कुर्बानी 2025 के लिए। वो जो छोटा बच्चा मैंने पसंद किया उसके कितने पैसे हैं? इसका 45,000। 45,000 ये बच्चा इससे भी ऊपर है। ये देखें ये अपने टाइम पे जा के तैयार होगा, ये उम्र में भी इससे कम है। मोबाइल नंबर दें ना अपना, 0301 1862 384 384। इस बच्चे ने कितने पैसे हैं? 35,000। ये रेट सिर्फ मांग रहे हैं, ठीक है, ये फाइनल रेट नहीं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ। डिस्काउंट हो जाएगा। ये इधर रवात मंडी करते हैं, टैक्सला भी जाने हो जी? टैक्सला टैक्सला भी जाते हैं, गली जगीर हरिपुर जाते हैं। हरिपुर भी जाने हो? ठीक हो गया, ये चार मंडियाँ हैं जी जो पिंडी के करीब करीब पड़ती हैं, बाकी मौके पर अगर जाएँ तो डेरे पर भी इनसे माल मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये देखिए कितना माल खड़ा है, काफ़ी है। ये जरा वो पीछे इस पीछे खलता हुआ वो देसी गजला। अच्छा मादी होने काट के दे, मादी के दे, मादी से खाएं भाई तू। इसमें मुंदरे भी ले के आने, सिर्फ कजला ना काम कर रहे हो? सिर्फ कजला ही ले के आते हैं। उस मादी के कितने पैसे हैं? मादी एक नंबर, उसका 35,000। 35,000 ये देख लें सामने, और कान से करेंगे। कानों की लापर अच्छी है ये भी बच्चा, मुझे बड़ा पसंद आया। इसके पॉइंट्स अच्छे हैं, दो कानों पे निशान है, दो कानों जो है ना आंखों पे, एक मुंह पे, पांच निशान पूरे हैं इसमें, लेकिन छोटे निशान है। जो बड़े निशानों में आता है ना वो बड़ा प्यारा लगता है लाखे कलर में। ये बच्चा देखिए ये तकरीबन मेरे ख्याल से 3-4 महीने का होगा। नहीं ये 3 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का नहीं है। ठीक हो गया, एक रफली आइडिया मैंने दिया 3 से 4 महीने का, बकोल इनके 3 महीने का। ये देखिए कुंडल खुले नहीं है अभी, ये जब कुंडल खुलते हैं ना ये फिर दूध छोड़ देते हैं। अभी पेड़ के नीचे से निकाल के लेके आए हैं, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी साथ स्टार्ट है। वैसे आज सही इंजॉय वाला मौसम है, ठीक है, साथ साथ वीडियोज बन रही है। अभी तेज़ होगी, जाके शेड के नीचे थोड़ा खड़ा होते हैं, फिर उसके बाद वापस आके शो करवाते हैं। तुर्की दुम्बे कुछ नज़र आ रहे हैं, लेकिन बारिश में जो है ना मोबाइल में पानी जा सकता है, लिहाजा रिस्क नहीं लेना।